बोले लो बल्ले बल्लेबाजी के क्या फैसला इस टूर्नामेंट की अगुवाई पर सातवां दिन का दूसरा मुकाबला रेमो वॉरियर्स वर्सेस करेंगे वॉरियर्स के बीच। अब दोनों इस अनुभवी अंपायर धीमी कदमों से फिर बल्लेबाज कप्तान दोनों कप्तानों के बीच में मुकाबला गलत फैसला और इस बार उठा कर के रहा पहली गेंद पर एक क्या बजे रखो इस बार फिर शॉट खेलने की कोशिश कर रहे थे ये खिलाड़ी लेकिन बहुत ही चतुराई से गेंद पर इस बार गलती कर बैठे थे बल्लेबाज लेकिन एक पहले से आगे में टपक आई गेंद हल्की गिलासों से शॉट को खेला गया शॉट लेकिन एक रन देना चाहते थे मगर इसे नकारते हुए जसवंत वाही जो कि अपने ही अंदाज पर इस बार चौका का निर्णय देते हुए यार कट करने की कोशिश कर रहे थे मगर इस बार निश्चित रूप से क्या गजब की एक एंपायर टीम के निर्णय देते हुए बिल्कुल अपने ही अंदाज पर इस बार देख सकते हैं चार गेंद वापस तैयार स्ट्राइकर वाले वाली असवत पक्की हुई गेंद थी जरूर मगर इस बार आप देख सकते हैं नतीजा क्या गजब की निर्णय देते हुए बिल्कुल कट करने की कोशिश इस बार बल्ला का पहाड़ी किनारा ले लिया था लेकिन बहुत अच्छी कोशिश हुआ पे विकेट कीपर के द्वारा सामने लेकर के खेल दिया इस बार कवर के ऊपर खेलना चाहते थे बहुत अच्छी बात थी इस बार टीम टाइगर वॉरियर्स की टीम को 30 रन बनाई थी पहले पैसा इस बार लपेट कर खेला है घुमा कर खेला है बल्ला का पहाड़ी किनारा और गेंद सीधे पाइले की क्षेत्र पर जाती हुई गेंद 6-4 रन के लिए जाएगी गेंद इसी चौके के साथ बल्लेबाज अपना खाता खोलते हुए रिक भाई ऊपरे ऊपरे पोके तक वो सीटा बोरा वीटा बोरा ऑफ टाइम बाहर पोका बाल फसी जो भाई पानी इसका तीसरा ओवर थोड़ी सी बल्ला करने की कोशिश इस बार पूरा महंत ये पहल गया सॉरी इस बार उठा कर खेल है पहले के ऊपर से अच्छा इसी का पहला छक्का निकलता है इस बार रथु के बल्ले से ट्रिपल लंबी रन के साथ स्ट्राइकर बल्ले में आज मिस्टर रथु गजब का शॉट छोटी गेंद की गेंद देखा समझा गेंद पे दिया गया और इस बार मिडवे के ऊपर से छह रन के लंबे रन के साथ इस बार अगली गेंद स्ट्राइक पर बल्लेबाज पटकी हुई गेंद इस बार लपेट कर खेला है कल्पना दे से छक्का 95 मीटर का छक्का इस बार लगातार तीन गेंद तीन हैट्रिक छक्का लगता है पर बल्लेबाज इस बार बल्लेबाज रथु बहुत ही अच्छी शॉट इस बार हल्की ढिलासों से गेंद फोड़ने में माहिर कर रहे थे लेकिन थोड़ी सी बल्ले पे आई नहीं गेंद हल्की ढीला हाथों से खेला गया शॉट इस बार सामने की ओर खेलना चाहते थे लेकिन बहुत अच्छी कलाइयों का बहुत अच्छा उपयोग इस बार कप्तान रथु के द्वारा बल्लेबाज कैप्टन शॉट इस बार हल्की ढीला हाथों से बस दिशा देने की कोशिश कर रहे थे और बहुत अच्छी फील्डिंग वहां पे लंबो पे क्षेत्र पर फील्डर तैनात करके रखे बहुत अच्छी कप्तान और गेंदबाज ने मिलकर बहुत अच्छी फील्डिंग सेटअप करने की कोशिश अभी हल्की ढीला हाथों से बस बहुत अच्छी ढीला हाथों से खेला गया शॉट लेकिन हल्की से मिस पे क्या दो रन लेना चाहेंगे जी बिल्कुल नहीं इस बार एक ही रन रिवर्स खेल दिया इस बार रिवर्स में उठाकर खेला बाबर इलेक्ट्रिक का छक्का 115 मीटर का छक्का इसलिए हमसे बाहर इस पूरे टूर्नामेंट में सबसे लंबा छक्का इस मैदान पर रथु के बल्ले से निकलता हुआ इसी छक्के के साथ टीम का मरतबा इस ओर 41 रन पर जा पहुंचा है एक विकेट के नुकसान पर मोरल की ढिलासों से खेला गया शॉट इस बार बहुत अच्छी को वापसी मानी जाएगी यहाँ पे जयंतों के द्वारा एक ही रन से संतुष्ट होना होगा यहाँ पे मिस्टर दोनों ही बल्लेबाजों को एक तरफ से देखा जाए तो 10 नंबर की जर्सी पर एक पर बल्लेबाज लिपट बहुत ही अच्छी गेंदबाजी इस बार जयंतों के द्वारा बहुत अच्छी वापसी मानी जाएगी यहाँ पे जयंतों के द्वारा बिल्कुल सटीक जगह पे रन के साथ स्ट्राइक पर बल्लेबाज पटकी हुई गेंद इस बार लपेट कर खेलना चाहते थे और सीधे बल्ला का निचला हिस्सा लगा और सीधे जाकर गेंद पाइले की क्षेत्र में जाती हुई गेंद 4 रन लेके जाएगी इसे 4 रन के साथ रन बनाकर नाबाद है
पकी हुई थी सी जरूर गेंद मगर थोड़ी सी अंदर चार कर पे फुट नसीब किए बल्लेबाजी चलता हुआ इस बार हल्की सी पकी हुई गेंद थी जरूर मगर इस बार मिमिक्री ऊपर से खेलना चाहते थे लेकिन उनके सीधे जाके सर पर गेंद टकराई पकी हुई गेंद इस बार उछल कर बल्लेबाजी बल्ला खोला है मध्य में और निश्चित रूप से गेंद सीमा रेखा के पार एक चप्पा और सीमा रेखा के पार चार रन किसी चौके के साथ टीम का बढ़ता हुआ इसको 57 रन पकी हुई गेंद इस बार मिड विकेट ऊपर से खेलना चाहते थे लेकिन बल्ला का इस बाहरी किनारा नतीजा इस बार बहुत अच्छी फील्डिंग है किरण से संतुष्ट होना होगा यहाँ इस बार चतुराई से खेला गया सर पल्लस को भी इस बार देखने के लिए मौका मिला कहीं ना कहीं चार से जरूर याद दिला दिए नतीजा आप देख सकते हैं कितनी जबरदस्त है बहुत ऊंची गई है गेंद और क्या देकर जाएगी निश्चित रूप से क्या निकल रहेगा ये देखना बहुत जरूरी होगा बस बिल्कुल चार रन हम देख सकते हैं बिल्कुल अपने ही अंदाज पर ऐसे गेंद पर टीम को नंबर के द्वारा वाली चलता हुआ एक समय से आप देख सकते हैं इस बार ही बस करने की कोशिश पर पैरों में थी गेंद पहले पे सहज चाहिए गेंद इस बार बहुत बड़ा विकेट का पतंग लहराते हुए अपनी टीम के लिए आज छोटी पारी खेलते हुए गए जिनकी जिस चीज की पारी दरकार थी टीम को ठीक बहुत ही अच्छी कोशिश इस बार लेकिन अब काफी भाग्यशाली रहे फील्डिंग यूनिट की टीम अब रथों को चलता किया है क्योंकि कदमों से पब्लिक के और रस्ते पर सामना करने आएंगे इस बार उठा कर खेलने की कोशिश कर रहे थे जो अंदर मारने की प्रहार लेकिन बल्ले पैसे से चेली नहीं किया नतीजा क्या थोड़े की मांग करेंगे लेकिन मगर इस बार इस बार की बॉल कर दिया बल्लेबाज समझने में नाकाम रहे और सीधे फिर विकेट पर साथ साथ इस बार उठाकर खेलने की कोशिश पर बल्ले पे सही सही नहीं गया नतीजा और एक झटका और एक सफलता दिलवाई अपनी टीम को क्या इस पूरे टूर्नामेंट में ये एक ऐसे गेंदबाज निकलेंगे हैट्रिक विकेट ले पाएंगे ये देखना पर बहुत ही चतुराई से टप्पा खिलाने की कोशिश करते हैं इस बार खींच के खेला है इस बार बहुत अच्छी फील्डिंग वहां पे नंबर के क्षेत्र में फील्डर नीचे तैनात है बहुत अच्छी फील्डिंग वहां पे अपने टीम के लिए महंगे तीन रन उन्होंने बचाया इसी एक रन के आंसू से खेला गया सर बहुत ही अच्छी शॉट इस बार देखने को मिला है किसी चौके के साथ ही बर्तावीस पर 74 रन पर जा पहुंचे हैं महंगे चार विकेट के नुकसान पर एक बार हल्की सी मैदान के अंदर पर कप्तान को चेयर बदल करते हुए लंबी लड़क के साथ रविंद्र कुमार दास स्ट्राइक पर बल्लेबाज पाए आपके बल्लेबाज को सिर्फ बोला बल्कि दिलो आंसू से खेला गया सो इस बार इस बार पड़क के लिए आना है टीम का बर्तावा इस वक्त चली गई से इस बार पकी हुई गेंद इस बार लपट कर खेल रहा है और फाइनल की क्षेत्र पर गेंद सनसनाती हुई जाती हुई गेंद चार रन लेकर जाएगी इस बार सामने फोर खेलना चाहते थे मगर करने की कोशिश हल्की से मिस फील्ड और नतीजा चार रन देकर जाएगी क्या बोला नदी के इस बार लपड़ कर खेला है बहुत ऊंची गई है गेंद और देकर जाएगी चार रन इसी चक्कर में साजिश का वास्ता है स्कोर 55 रन पर जा पहुंचा था इस बार पिछले वाले से खेलना चाहते थे लेकिन पन्ने पे सीधे चली नहीं गेंद एक टप्पा और फील्डर के हाथों पर गेंद बहुत अच्छी फील्डिंग वहां पे समीर के द्वारा अपने टीम के लिए महंगे तीन रन उन्होंने
इस बार उठा कर खेलने की कोशिश कर रहे थे लेकिन बल्ले और गेंद का कोई जबरदस्त संपर्क नहीं, बहुत अच्छी फील्डिंग वहां पे अपनी टीम। इस बार पीछे वाले से सीधा शॉट, बहुत ऊंची गेंद दे गई है और ऊंचाई का अट्ठार सामने छक्का। इस बार थोड़ी सी अंदर चढ़कर खेला है, अपने आप को रूम दिया, अपने आप को रूम बनाया और बहुत अच्छी शॉट इस बार क्षेत्र पर गेंद। आपके साथ एक बार जो प्रहार इस बार पॉइंट के क्षेत्र पर एक टप्पर से मारा गया था प्रहार उसे जो था इस बार और बिल्कुल अपने अंदाज से इस बार खेला देते हुए गेंद से गेंद पे और बिल्कुल नाच इस बार मार मार जुबोटा लबियोट अनुवादी लेकिन इस बार जंगल रहती अच्छी मार इस बार मटकी हुई गया थी मार 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 छक्का अभी और करिया पैसों इस बार मिड ऑफ के ऊपर से बहुत ऊंची गई है और बहुत अच्छी प्रोसेस में बहुत अच्छी गेंद को रोकने की चाह रही है। बादल चारों तरफ बादल शॉट हल्की दिलासों से खेला गया शॉट बल्ले पे सही से चली नहीं गेंद कोशिश बहुत अच्छी थी कि हाथ दौड़े पूरा करेंगे जी बिल्कुल बहुत अच्छी रनिंग मिड में विकेट बहुत अच्छी तालमेल और इस दल महाराणा इस बार गेंदबाजी लेकिन इस बार मस्तिष्क से काफी दूर ही गेंद नतीजा व्हाइट गेंद बहुत ही अच्छे निर्णय और गेंद से कैसे मारा गया कि पहाड़ी जाएगी टप्पा का नक्शा इसे छक्के के साथ टीम का बढ़ता हुआ स्कोर 132 रन। एक और भी स्कोर जीतना है तो 133 रन बनाने होंगे सात गेंदों में। Thank you.
बिल्कुल एक छोटी गति गेंद थी, इसको देखा समझा गेंद के पीछे पप्पू बहुत अच्छी फील्डिंग वहां पे, इस तरह की फील्डिंग जब आप सर्कल के अंदर खड़ी है सर्कल के अंदर, फिर अलग के साथ रहते हुए अपना पहला गेंद का सामना करें बल्लेबाज। हल्की ढीला आंसू से बस इस गेंद को देखा तीसरा दिखाई है, बहुत ही अच्छी फील्डिंग, बहुत ही अच्छी फील्डिंग। सौर भुट्टा को टेका इस बार, बहुत ही गजब की फील्डिंग इस बार, इस ओवर से दूसरा सफलता अपनी टीम को दिलवाते हुए, और एक झटका लगता हुआ टीम का दूसरा झटका लगता है बरस की टीम। इस टीम का नाम कुछ आप लोग देख सकते हैं, रेम्बो यानी कि इंद्रधनुष। देकर जाएगी ये निश्चित रूप से देखने में बड़ी बात होगा, इसीलिए इस फील्डिंग इस बार बहुत ही अपने आप से बहुत ही गजब के निर्णय आता हुआ, बिल्कुल डांसिंग अंपायर। और बहुत ही अच्छी तरह से यहाँ पे निर्णय देते हुए इस बार बहुत ही अच्छी तरह से बहुत तीसरा दिखाई है बल्ला का, बहुत ही लेट खेला है इस शॉट में, ये तो चतुराई से शॉट को खेला गया है, सब पीछे तरफ शॉट खेला गया है। बहुत ही अच्छी कट करने की कोशिश इस बार, बहुत ही लाडला फिर थोड़ी सी तालमेल से थोड़ी सी चुके हैं, और इस बार गिल्ली को नीचे में टपकते हुए इस बार थोड़ी सी तालमेल से थोड़ी सी चुके, नतीजा है बहुत बड़ा विकेट का गलती और बहुत बड़ा विकेट इस बार गिरता हुआ। क्या कमाल इस बार निर्णय आता हुआ अब देख सकते, बस इसी के लिए ही चर्चित है डांसिंग अंपायर पिंटू नाथ जी की, बहुत बड़ा निर्णय लेते हुए, बहुत अच्छी बात है। अगली गेंद पहली गेंद रिवर्स कर दिया इस बार पॉइंट के ऊपर से, क्या निर्णय रहेगा निश्चित रूप से देखनी बड़ी बात होगा। एक टप्पा आरसी मारे जाके बाहर चार रन, किसी चार रन के साथ ही डबल टाव इस पर कुमार दास कट करने की कोशिश, लेकिन साथ ही स्ट्राइक पर बल्लेबाज जीतू पत्रो इस बार सामने वाला पेड़ को थोड़ा से आगे लेके ला, और बल्ला और गेंद का बहुत अच्छा संपर्क, और लोगों को क्षेत्र पर जाती हुई गेंद चार रन देकर जाएगी इसी चौके के साथ ही। इस बार घुटना टेक कर सामने की ओर प्रहार, लेकिन इस बार बल्ले पे से चली नहीं गेंद, बहुत अच्छी फील्डिंग वहां पे लोगों के क्षेत्र पर, लोगों के क्षेत्र पर बहुत अच्छी फील्डिंग, बहुत ही अच्छी शॉट, बहुत ही अच्छी गेंदबाजी, फील्डिंग के हिसाब से ही गेंदबाजी अभी तक चल रही है कप्तान की। एक बार फिर लंबे रन के साथ बिल्कुल कप्तानी वाली यहाँ पे कल इस बार पलट कर खेलने की कोशिश कर रहे थे, लपेट कर खेलना चाहते थे, लेकिन बल्ले पे से चली नहीं गेंद, अगर ये बल्ला का बीचों बीच संपर्क होता तो कहीं ना कहीं गेंद जाना। अमित कुमार दास पर वाले बात इस बार सागर ने काम था, बहुत ही सॉरी और को लेती गेंद देखा समझा, हल्की ढीला आंसू से इस गेंद को बस ढकेला है, ये पर क्या और एक रन लेना चाहेंगे मगर इसे नकारते हुए फुल्डो लड़की गेंद इस बार, और नो बॉल बड़ी गलती हो गई इस बार, स्टेप नो में पकड़े गए और नो बॉल यानी कि प्ले है। एक और वो फिर इस बार देखा समझा, थोड़ी सी बैकफुट पर जाके तिरछे वाले से सीधा शॉट, और बहुत ही अच्छे करने आता हुआ करने की कोशिश, मेरे चीफ ऑफ पात्र स्ट्राइक पर बल्लेबाज। चीफ पात्र
كلب بسون اس بار لكن بول بلا اور گیم کا کوئی زبردست فرق نہیں بلے تو سیدھے چین ہی نہیں گیا اگر یہ گیم اگر تو سوچ لو بالی پانی چلتا ہوا بولا رکھ گیا اس بار پول کیا لیکن بلا کا پہاڑی کنارہ اور نو بول اور ایک بڑی غلطی ہو چکی ہے اس بار گیندباز کے دوارا پٹکی ہوئی گیند اس بار چترائی سے کھیلنا چاہتے تھے لیکن یہ فیلڈ گیند تھی مانا کہ اس فیلڈ گیند میں بس ایک ہی رن ہی آیا ہے ابھی تک اس ایک رن کے ساتھ ٹیم کا بڑھتا ہوا اسکور اور کتنا لو میچز کھائے گا یہ مقابلہ بہت اچھی گیند بازی اس بار کا مطلب ہوتا ہے اس بار پھر پٹکی ہوئی گیند اس بار لپٹ کر کھیلنا چاہتے تھے مڈ آن کے اوپر سے اٹھا کر کھیلنے کی کوشش میں تھے مگر بلے پہ سے چلی نہیں گیند جب تک یہ تو بلے باز اگر اس بار اٹھا کر کھیلنے کی کوشش میں تھے مگر بلے پہ سے چلی نہیں گیند نتیجہ ایک ہی رن سے سنتوشت ہونا ہوگا اس بار بہت اچھی فیلڈنگ وہاں پہ مٹھن پہرا کے دوارا اس ایک رن کے ساتھ ٹیم کا بڑھتا ہوا اس ہوں گے سترہ رن بنانے ہوں گے گجب کا سون اس بار ملا کے پیچھے بھی سمپرک ہوا ہے گیند اور ایک بار پھر گیند جیتے گی فیلڈروں سے بہت ہی اچھی پروسیس اگر گیند اور فیلڈر کے اگر میں کمبینیشن کے میں کمپیئر کروں تو گیند ہی جیت جاتی ہے اور بہت آپ کا بلا کا پہاڑی کنارا لے لی اس بار سامنے والا پیر کو کھول کر کھیلا ہے اس بار اور گیند ایک بار پھر سیما رکھے کے بعد چار رن لے کر جائے گا اس بار چھوٹی گٹ کی گیند تھی اس بار ہلکی ڈھلاسو سے کھیل دیا اس بار سامنے کی اور لوگوں کے اوپر میں ایک دو رن کی مانگ رکھ رہے تھے یہاں پہ بلے باز مگر اسے نکارتے ہوئے بلے باز اس بار ہوا میں چل گئی ہے گیند اس بار ٹپا کھانے کے بعد سیدھے پایا میں چوکا کسی چوکے کے ساتھ ہی مرتا ہوا اس بار سکسیس رن پر جا پہنچا ہے گیند اننگز کا آٹھواں اوور اس بار کپتان نے سوچا ہے ارجن نائک کے ہاتھوں پر گیند اسٹرائک پر بلے باز چکرو نے پہلی گیند بہت اچھی گیند بازی اس بار پٹکی ہوئی گیند اس بار کھینچ کے کھیلا ہے بہت اچھی گیند گئی یعنی بہت اچھی فیلڈنگ وہاں پہ بہت ہی لاجواب فیلڈنگ اس طرح کی رننگ اگر آپ باؤنڈری لائن میں فیلڈنگ کر رہے ہیں پھر اگر دوڑ لگا کر اگر دیکھنے کے لیے موقع ملا اس بار مٹھن کمار بہرا جو کہ لوگوں کی لوگوں کے چھیتر پر پھر لڑنے کے تعینات ہے بہت ہی اچھی گیند بازی اس بار ارجن کے ہاتھ سے ہاتھ اٹھا کر کھیلنے کی کوشش اور اس بار ہوا میں ملے رہتے ہوئے آؤٹ کا قرار دیتے ہوئے بہت بڑا ہوئی آخری جو اس بار پچ پر بہت ہی اچھی گیند بازی بالکل اس بار پھر سامنے لکھ کر تیار اسٹرائک پر بلے باز اس بار کلین پولڈ کر دیا ہے بلے باز سمجھے میں ناکام رہے ہیں اسی کے ساتھ